अगर इस बार कांग्रेस अगर जिम्मेवारी देती है अम्बा प्रसाद को, क्या अपना किस्मत आजमाएंगे क्या लोकसभा में? हमको राजनीति पसंद नहीं है, हमारा घर बर्बाद हो गया है इसमें। बेटा की घर में सूखा रोटी दो ठोक खाओ वही थी, हम बर्बाद हो गए, हम घर से बेघर बहुत दिन। जानकारी मिल रही है कि अम्बा को लोकसभा का टिकट हजारीबाग से मिलने वाला था। हमको जानकारी कुछ भी नहीं है, सुन रहे हैं बाहर में भीड़ काफी देखे तभी, घर में ऐसे कोई नहीं है, सब रांची में है, हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। विधायक जी है यहाँ? यहाँ नहीं है। तो आपको अपने आवास में ही नहीं जाने दे रहे हैं? आपको अपने आवास में ही प्रवेश नहीं करने दे रही है? ईडी ने कथित अवैध बालू खनन, जबरन वसूली और अन्य अपराधों से संबंधित कई एफआईआर के आधार पर कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पीएमएलए एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी की दबिश के बीच मंगलवार को अम्बा प्रसाद अपने घर की खिड़की पर आकर विक्ट्री साइन का इशारा और थंब दिखाते इसे अपनी जीत बताया। वहीं ईडी की छापेमारी की जानकारी मिलने पर हजारीबाग स्थित अपने घर पहुंची अम्बा प्रसाद की मां और पूर्व विधायक निर्मला देवी रोने लगी। निर्मला देवी ने कहा है, राजनीति अब गंदी हो गई है। उन्होंने अपनी बेटी को राजनीति से दूर रहने और चुनाव नहीं लड़ने की भी सलाह दे डाली। अम्बा प्रसाद ने कहा है कि उन्हें शुरू से ही राजनीति पसंद नहीं है। उनका कहना है कि राजनीति गंदी हो गई है और आदमी को बर्बाद कर दे रही है। इस राजनीति ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। 10 साल तक कभी भोपाल तो कभी जेल की यात्रा करनी पड़ी है। यही नहीं, इस राजनीति ने पति को पत्नी से और माँ को बेटी से दूर कर दिया है। लोग के मुँह से सुन रहे हैं बाबू, हम तो आ रहे हैं ओम शांति सेंटर से, और अभी आप ही लोग के मुँह से सुन रहे हैं, बाहर में भीड़ काफी देखे तभी, घर में ऐसे कोई नहीं है, सब रांची में है, हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। विधायक जी हैं यहाँ? यहाँ नहीं है। तो आपको अपने आवास में ही नहीं जाने दे रही है जी? क्या कहें, आपको अपने आवास में ही प्रवेश नहीं करने दे रही है? अब अंदर में कौन बंद किया है पता नहीं, आप ही लोग बताइए। अच्छा, जानकारी मिल रही है कि अम्बा को लोकसभा का टिकट हजारीबाग से मिलने वाला था। हमको जानकारी कुछ भी नहीं है। कार्रवाई को कैसे देखते हैं? और हम पसंद भी नहीं करते, हम बोलते मत लड़ो बेटा, ये सब राजनीति बहुत गंदा है, आदमी को बर्बाद कर देता है। हमको राजनीति जरा से भी पसंद है, हम झेले हैं 10 साल, कभी भोपाल कभी जेल से, मतलब कि जीतने के चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल 2 साल हम काम किए मुश्किल से, और सब दिन बाहर रहे और घर से बेघर रहे। इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं? ईडी आज आवाज पहुंची है आपका, देखिए अभी चुनाव का समय आया है तो मनोबल को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर इस बार कांग्रेस अगर जिम्मेवारी देती है अम्बा प्रसाद को, क्या अपना किस्मत आजमाएंगे क्या लोकसभा में? हमको राजनीति पसंद नहीं है, हमारा घर बर्बाद हो गया है इसमें, हम नहीं चाहते हैं कि, बोलते हैं बेटा कि घर में सूखा रोटी दो ठोक खाओ वही थी, हम बर्बाद हो गए, हम घर से बेघर बहुत दिन रहे। आज ऐसा नौबत आ गया है कि आपको अपने घर में ही प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, क्या ऐसा कहना चाहिए? नहीं है, ऐसा नहीं है, खुलेगा, खुलवाएंगे, कौन है सब अंदर में। दरअसल बड़का गांव से कांग्रेस अम्बा प्रसाद के हजारीबाग हुड्डू स्थित घर में ईडी की छापेमारी के दौरान निर्मला देवी भी पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके आवास में इस वक्त कोई नहीं है, पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव दिल्ली में है जबकि बेटी अम्बा प्रसाद रांची में है, उन्हें जाने से रोका जा रहा है। निर्मला देवी ने इस छापेमारी पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि चुनाव के समय मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अम्बा प्रसाद के हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ने की संभावना पर निर्मला देवी ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अम्बा प्रसाद के नए आवास में भी ईडी की छापेमारी हुई, उनके आवास के ठीक पीछे रहने वाले अम्बा प्रसाद के कई करीबियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। इस छापेमारी से अम्बा प्रसाद के नजदीकियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। बड़का गांव की प्रसाद अम्बा प्रसाद ने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2019 से की थी। उन्होंने बड़का गांव विधानसभा सीट से 27 साल की उम्र में चुनाव जीतकर इतिहास बनाया था। उन्होंने आसू पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को 30,140 वोटों से हराया था। जानकारी के मुताबिक वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी लेकिन अचानक माता पिता को जेल हो जाने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और राजनीतिक विरासत को संभालने का काम किया। अम्बा प्रसाद के पिता
योगेंद्र साव साल 2009 में बड़कागांव सीट से विधायक बने। इसके बाद ये साल 2013 में हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बने, लेकिन नक्सलियों से संबंध होने का आरोप लगने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से उन्हें जेल में रहना पड़ा था। योगेंद्र साव के जेल में जाने के बाद उसी विधानसभा सीट से उनकी पत्नी निर्मला देवी ने साल 2014 में चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन 2016 में हुए गोलीकांड के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था।